कोविड जो आया इसका कोई रंग रूप किसी को पता नहीं था, ये गया नहीं है, पर अगर जो आया भी है तो होपफुली इतना भयंकर नहीं होगा। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये जब चीजें हैं आपको, तो इवन माइल्ड इन्फेक्शन बहुत हावी पड़ सकती है। बचना तो चाहे मुश्किल है पर रिकवरी आसान हो सकती है, आसान, अगर जो आप उसको फॉलो अप करें प्रॉपरली। बिहार गवर्नमेंट ने ही इनिशिएटिव लिया कि पीपीपी मॉडल हमने किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ, तो ये शुरुआत है कि एक ऊपर से सबसे उत्तम स्टैंडर्ड बिहार में पहुंच गया। बिहारी नहीं है, बिहार में रहते नहीं है, तो मैं कहा पर दिल तो बिहारी है, तो ये पीपी मॉडल इसीलिए किया गया है कि गवर्नमेंट रेफर कर सकती है वो 30% पेशेंट्स को जो पिछड़े हुए हैं, और उनको वही सुविधा मिलेगी जो सबको मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। वो पटना से नहीं है, बिहार से नहीं है, लेकिन बिहार को उन्होंने एक ऐसा तोहफा दिया है जो आप सबों के लिए, हम सबों के लिए जान देने लायक है। हमारे साथ है डॉक्टर नरेश त्रिहान जो दिल्ली से आए हैं, और इन्होंने मेदांता, आप दिखाते हैं सबसे पहले जिसके बारे में बहुत चर्चा है, और वो जयप्रभा मेदांता के बारे में। ये वो हॉस्पिटल है जिसे तैयार करने में काफी वक्त लगा, 7 एकड़ में बना है और 600 बेड इसमें है। आप समझ लीजिए कि कोविड के समय में इसमें जब लोगों की तैयारी हो रही थी आने की, तो कितनी कोशिशें की गई थी कि इसे तैयार कर लिया जाए और लोगों के लिए चालू कर दिया जाए। सरकार के साथ पीपीटी मोड के तहत ये शुरू हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर और पटना में खास तौर से। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि कोरोना आया, चला गया, जो खौफ था, जो डर था, जो लोगों ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, हर बार आपने लोगों को बताया चौथी लहर आने वाली है, क्या खौफ है? देखो, ये जो एक तो कोविड जो आया इसका कोई रंग रूप किसी को पता नहीं था। 14 इटालियंस जो हिंदुस्तान में डिटेक्ट किए गए पहले, वो मेदांता गुरुग्राम में आए, गवर्नमेंट ने हमारे पास भेजे, तो वहां से हमारे को समझ शुरू हुई कि ये क्या सिंड्रोम है। और बाकी हिस्ट्री है कि पहली वेव आई, उसमें लोगों को क्या तकलीफ हुई अल्फा के बारे में, सेकंड में डेल्टा आई तो वो तो बहुत ही भयंकर थी, और अब तीसरी वेव आई जो ओमिक्रॉन की है, उसमें भी 2 लाख पर डे गया नंबर। अब ये है कि दुनिया में भी खत्म नहीं हुआ, हमें ऐसा एहसास होता है कि भाई कम होता जाए, कम होता गया, शायद चला ही जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ये सर्कुलर जा रहा है, एक कंट्री से शुरू होता है, फिर दूसरी जाता है, फिर तीसरी जाता है, फिर वापस आ जाता है। अब अगर जो नई वेव आएगी, क्योंकि जैसे अब नए वेरिएंट भी डिटेक्ट हुए हैं जैसे एक्सी है, तो अगर जो ये लगता ये है एहसास कि ये वायरस वीक होता जा रहा है, ये वायरस की नॉर्मल हिस्ट्री भी होती है कि हर थोड़े दिन बाद उस हर म्यूटेशन जो है वो पहली म्यूटेशन से थोड़ी वीक होती है, तो उम्मीद ये है कि एक तो ये गया नहीं है, पर अगर जो आया भी है तो होपफुली इतना भयंकर नहीं होगा। पर आप ये समझ लें कि चाहे भयंकर हो चाहे माइल्ड हो, कोविड के साइड इफेक्ट्स बहुत है। और दो बातें हैं, अगर जो आपको कोमॉर्बिडिटीज है, आपकी एज हाई है, और जैसे कोमॉर्बिडिटीज, जैसे हमें सबको पता है डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये जब चीजें हैं आपको, तो इवन माइल्ड इन्फेक्शन बहुत हावी पड़ सकती है। इसीलिए हमें हर वक्त ये ध्यान रखना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। तो आज के दिन में खुल तो गया है, पर ऐसा है कि आपस में डिस्टेंस रखें, क्राउडेड जगह में जाएंगे तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये क्लोज स्पेस में अगर जो ये 2-4 लोगों को भी होगा तो सबको फैल जाएगा। इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ जा रहे हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए एक तो बूस्टर डोज जरूर लगवाना चाहिए। अच्छा, बूस्टर डोज लगाने के बाद, या इसके पहले भी डोज लगाए गए, दो दो लगाए गए, तो कई लोगों को आपको लगता है कि पोस्ट कोविड या पोस्ट डोज के बाद भी कुछ परेशानियां आई हैं, तो उस परेशानी से बचने के क्या उपाय हैं, आज आप क्या देख रहे हैं? देखो, एक तो जो परेशानियां आई हैं जो कोविड की वजह से आई हैं, और जो लोग को ऑलरेडी हेल्थ उनकी अच्छी नहीं थी, जो जूझ रहे थे कोमॉर्बिडिटी से, उनको लॉन्ग कोविड होने का की संभावना ज्यादा थी, और वो तकलीफ में आए सबसे ज्यादा। और जो है, क्या है कि लंग प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं,
लोगों को ब्रेन फॉग है कि भी पूरा अभी भी पूरा क्लियर थिंकिंग नहीं है, किडनी पे इफेक्ट पड़ गया, हार्ट पे इफेक्ट पड़ गया, कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई, जिन्होंने यंग लोगों की हो गई जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली एक्सेसिव, क्योंकि किसी को ये पता नहीं उस टाइम नहीं पता था कि ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है। पर हमने जो पूरी स्टडी करी है 20% लोगों को कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन है और कईयों को सीवियर होती है। तो इसीलिए हमें ये पूरे प्रोटोकॉल जो है डिजीज के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, और अगर जो हो गई तो उसके बाद के लिए पूरी प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए। आप दिल के मरीज को देखते हैं और वर्षों से आप देख रहे हैं, आप माने जाते हैं कि आपसे बेहतर शायद ही कोई इंडिया में ऐसा डॉक्टर होगा जो दिल के मरीजों को देख सके। आपको लग रहा है कि जो दिल के मरीज हैं या जिनको अभी भी प्रोटेक्शन लेना है या जिनको हो चुका था, उनको क्या क्या परेशानी आ रही है और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते? तो एक तो जो लॉन्ग कोविड की बात करते हैं हम, वो सबसे ज्यादा लोगों के फेफड़ों को अफेक्ट किया है। अभी तक उनको अगर जो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, अभी भी हम उनके टेस्ट करते हैं तो उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस इतना कम है कि उनकी डिसैचुरेशन अभी भी होती है, तुरंत हांफने लगता है। हाँ, दूसरा ये है कि लोगों की जिनकी किडनी इफेक्ट हुई आज तक भी वो तकलीफ में है, कई लोग तो डायलिसिस पे जाने पड़े। तीसरा चीज ये है कि जो पोस्ट कोविड में हाई ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को हुआ है, तो इसीलिए अगर जो हम एक काम करना जरूरी है कि जिसको कोविड हुआ अपना फॉलोअप जरूर कराए जब तक डॉक्टर ये देख ले कि हर चीज से रिकवरी हो गई है। आप पूछ रहे हैं कैसे बचने का उपाय, बचना तो चाहे मुश्किल है पर रिकवरी आसान हो सकती है आसान, अगर जो आप उसको फॉलोअप करें प्रॉपरली। तो ये चीजें जो हैं ये सिर्फ डॉक्टर बड़े आराम से देख सकता है और उसको भी ये एहसास हो जाएगा कि भाई मेरी ट्रीटमेंट ये है और मैं ऐसे अपने आप को रिकवरी करूं। अच्छा, आपने तो इतना बढ़िया हॉस्पिटल खोल दिया बिहार में, बिहार पटना में, राजधानी में, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्या आपके पास और भी कुछ प्लान्स हैं या आपको लग रहा है कि जो देश में या बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है खासतौर से हेल्थ केयर में, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है? देखो, एक तो हिंदुस्तान में ही हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में कुछ खामियां हैं, पर बिहार में भी जो शुरुआत हुई है अभी, जैसे ये बिहार गवर्नमेंट ने ही इनिशिएटिव लिया कि ये पीपीपी मॉडल हमने किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ, तो ये शुरुआत है कि एक ऊपर से सबसे उत्तम स्टैंडर्ड बिहार में पहुंच गया, जो ये दुनिया में भी ऐसा नहीं पाया जाएगा आपको। तो अब ये है कि अगर जो ये स्टैंडर्ड आ गया और इससे वो इन नॉलेज फैलेगी तो और लोगों को भी उत्साह बढ़ेगा कि इसको स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा खुद का प्लान जो है कि सारे बिहार में यहां से हब एंड स्पोक मॉडल बनाए जाएंगे, जो हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं, जैसे दरभंगा जैसी जगह तो है ही है, गया जैसी जगह है, तो ये ऐसे ऐसे टाउन्स में हमने प्लान बनाया है कि ये इसके स्थापित होते, अब तो लोगों को पता भी लगना शुरू हो गया और ये स्थापना हो गई तो हमारे डॉक्टर अब बाहर जाना शुरू कर रहे हैं और वहां पे हम अप्रोप्रिएट साइज का हॉस्पिटल बनाएंगे, जैसे कहीं 100-150 बेड का चाहिए होगा, कहीं डायग्नोस्टिक सेंटर बन रहा है, जैसे दरभंगा में हमारा ऑलरेडी है आप स्मॉल टाउन्स में भी जाएंगे जहां के लोगों को आप हेल्थ केयर सिस्टम, ये पैन बिहार का प्रोग्राम है, क्योंकि ये तो देखो आपने एक बात भरी कि ये बिहारी नहीं है, बिहार में रहते नहीं है, तो मैं कहा पर दिल तो बिहारी है तो बहुत खूब आपने कहा डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल वो ये है कि जो आपने मेदांता को एक लुक दिया है, ये लगता ही नहीं जैसे हॉस्पिटल है। अब तक लोग दिल्ली जाते थे बिहार से इलाज कराने के लिए, एम्स जाते थे और मरीजों की लाइन रहती थी, तो क्या गरीबों को आप ऐसी फैसिलिटी क्या नसीब हो सकता है, क्योंकि कॉरपोरेट माना जाता है, बड़े लोगों के लिए माना जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक तो हमारा मेदांता की फिलॉसफी ही यही है कि जितने से ज्यादा लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है उतनी हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो ये पीपी मॉडल इसीलिए किया गया है कि गवर्नमेंट रेफर कर सकती है वो 30% पेशेंट्स को जो पिछड़े हुए हैं, और उनको वही सुविधा मिलेगी जो सबको मिल रही है। तो इसीलिए ये तो हमें खुशी है ये देखते हुए कि गवर्नमेंट ने भी ये पीपी मॉडल में ये कदम उठाया, और जय प्रभा का मतलब यही है, जय प्रभा मेदांता का, कि ये हमारी कोलैबोरेशन हुई है पब्लिक के हित में। एक और सवाल है जो आप
तक नंबर लोगों का लगता है, दो दो महीने में लगता है। आप बिहार आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ के लोग अगर आपसे मिलना चाहें, खास सिर्फ नरेश तेहान, डॉक्टर नरेश तेहान से ही दिखाना है, तो उनके लिए क्या आप कितना वक्त दे पाएंगे? तो देखो ऐसा है कि उसके तीन तरीके हैं। एक तो जब मैं यहाँ स्केड्यूल करूँ तो मिल सकते हैं, दूसरा वीडियो पे तो रोज मिल सकते हैं। हमारी वीडियो, मैं रोज कम से कम 15-20 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ पेशेंट्स के साथ, कॉन्सल्टेशंस, और वो सबको, सबके लिए उपलब्ध है। और तीसरा है कि अगर जो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है तो फिर हमारे पास दिल्ली मेदांता में आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर तेहान, इनके आपने फैसिलिटीज को देखा, हॉस्पिटल को देखा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे मैं पटना में हूँ, क्योंकि मैं लगातार बिहार में रहा हूँ, यहाँ पर कवरेज देखता रहा हूँ, तो ये जो फैसिलिटी है ये नो डाउट शानदार है। और इसके लिए डॉक्टर नरेश तेहान जी और पूरी टीम को एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बधाई।